नमाज कक्ष पर सियासत तेज है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश हो रहा है। इस वक्त झारखंड विधानसभा के मेन गेट पर बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी नेता नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा भवन में अलग से कक्ष आवंटन के मुद्दे पर कीर्तन कर विरोध जता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नमाज पढ़ने के लिए जो कक्ष आवंटित किए गए हैं उसे रद्द किया जाए। बीजेपी नियोजन नीति में हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी, अंगिका और मगही को शामिल करने की मांग भी कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह विधानसभा सदन के बाहर किस प्रकार से बीजेपी नेताओं के द्वारा कीर्तन किया जा रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है और लगातार जो नमाज पढ़ने के लिए कक्ष आवंटन करने का जो फैसला लिया गया उसका विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ नियोजन नीति में अलग अलग भाषाओं को शामिल करने की मांग की जा रही है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, मगही तमाम भाषाओं को शामिल करने की लगातार मांग की जा रही है। और हेमंत सोरेन पर भी लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, जिसके वजह से इस तरह से नमाज कक्ष को आवंटन करने की बात कही जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। बता दें कि विधानसभा सत्र का आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और उसके पहले ही वहां पर हंगामे की तैयारियां पहले से कर ली गई है। पूरे आसार लगाए जा रहे थे कि हंगामा होगा और ऐसा ही नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है विधानसभा के बाहर। जो स्थल है इसका काम क्या है, जो कमरों का आवंटन हो रहा है वो किस काम के लिए आवंटन हो रहा है, हम उसका कुछ भी मांग रहे हैं उनके लिए। हम लोगों ने मंदिर बनाने के लिए दिया गया,